कोई भी व्यक्ति बिना दुख मुसीबत का जीवन नहीं जी सकता। ऐसा कभी सोचना भी नहीं कि आप अपना जीवन बिना दुख मुसीबत झेले ही जी लेंगे। ऐसा सोचना ही सबसे बड़ी मूर्खता है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि इन दुख मुसीबतों का सामना किस तरह से करें, हम इन दुखों के समय में किस तरह से जिए। ध्यान से सुनिए, यही आज के मनन का विषय है। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप अपने वचन के द्वारा लोगों से बातचीत करते हैं, उनके जीवनों को बदल देते हैं। हमारी प्रार्थना है प्यारे पिता कि आज सभी सुनने वालों के जीवन में प्रभु आप कुछ कार्य कर दें, परिवर्तन कर दें, ताकि वे लोग जान सकें कि जीवित परमेश्वर यहोवा है। वो जान सकें कि इस जीवित परमेश्वर को प्रकट करने वाले प्रभु यीशु मसीह हैं, ताकि वे जान सकें कि यीशु मसीह उनसे कितना प्यार करते हैं। प्यारे पिताजी, हमारी विनती है कि वे इस प्रेम को जान सकें, अपना समर्पण आपके प्रति कर सकें, आपको अपने जीवन में नेवता दे सकें। प्रभु जी, हम सारे सुनने वालों को आशीष देते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु उनके घर आपके उत्तम से उत्तम आशीषों से भर जाएं, उनके जीवन आपकी अद्भुत शांति से भर जाए। जी हाँ, सारी आत्मिक आशीषों से उनको परिपूर्ण करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। एक हफ्ते पहले एक व्यक्ति मुझसे मिलने के लिए आया। वह लगातार इस रेडियो कार्यक्रम को सुनता था। एक इंजीनियर है। बातें करते करते उसने अपना सारा हाल मुझे बता दिया, दिल खोल दिया। मैंने कहा चलो अब प्रार्थना करते हैं। मैंने भी अपनी कुछ समस्याओं का वर्णन उससे किया जिनका मैं उन दिनों में सामना कर रहा था। उसके बाद एक बहुत ही अजीब बात वहां पर हुई। उस आदमी ने कहा, साहब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आपके जीवन में भी निराशाएं हैं, मुसीबतें हैं, तकलीफें हैं। मैं तो सोचता था कि आप बिना किसी निराशा के, बिना किसी परेशानी के एक व्यक्ति हैं। तब मैंने पूछा ऐसा क्यों। उसने कहा जब हम आपका रेडियो कार्यक्रम सुनते हैं तब ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कोई निराशा नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं भी तो आपके जैसा एक व्यक्ति हूं ना। इस दुनिया में हर व्यक्ति के जीवन में परेशानियां हैं, दुख है, निराशाएं हैं। अंत में मैंने उससे कहा प्रार्थना करते हैं चलो, लेकिन आप मेरी समस्याओं के लिए अपने पारिवारिक प्रार्थनाओं में जरूर याद करते रहना। उसके बाद वह बहुत खुशी से घर वापस चला गया। मेरे मित्रों, मैं आपसे यह बात पूछना चाहता हूं कि क्या आप अपनी समस्याओं को दूसरों के साथ बांटते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं? और क्या आप मेरे लिए भी प्रार्थना करते हैं? मुझे भी इस बात की आवश्यकता है कि लोग मुझको परमेश्वर के सिंहासन के सामने ले जाएं। एक बात हमेशा याद रखें, जब दुख मुसीबत परेशानियां आए तो कभी भी घबराए ना। आपके लिए अनगिनत लोग प्रार्थना कर रहे हैं। मत्ती 6:26 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारे स्वर्गीय पिता उनको खिलाते हैं। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? क्या तुम्हारी कीमत उनसे ज्यादा नहीं है? इसे पढ़ने के बाद वचन में मैं घर के बाहर पक्षियों को देखने के लिए गया। हमारे घर के आसपास बहुत सारे पेड़ हैं, उन पर बहुत सारे पक्षी भी आते हैं। वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना ही जमा करते हैं, हमारे स्वर्गीय पिता उनको खिलाते हैं। वे पेड़ों पर बैठकर गाते हैं और अपना जीवन खुशी से जीते हैं। एक बार एक पेड़ पर दो पक्षी बैठे बातें कर रहे थे। एक पक्षी बोलता है, ये इंसान तो हमेशा इधर उधर भाग दौड़ी करता रहता है, उसे बिल्कुल भी शांति नहीं है, संतोष नहीं है। दूसरा पक्षी बोला, मैंने भी इस विषय पर सोचा था। मेरे ख्याल से जिस तरह से हमें खिलाने के लिए हमारे पास एक पिता है ना, उस तरह के कोई पिता इनके पास नहीं है, इसीलिए तो उन्हें इस तरह का जीवन जीना पड़ता है। हम कितनी भी चिंता क्यों ना कर लें, लेकिन हम उससे एक दिन भी अपने जीवन में जोड़ नहीं सकते हैं। जब जॉन वेस्ली को पता चला था कि उसके घर में आग लग गई, तब उसने कहा, वह घर मेरा नहीं, परमेश्वर का है, और अगर परमेश्वर की इच्छा है कि उस घर में आग लगे तो परमेश्वर देखेंगे, परमेश्वर उसकी सुधि लेंगे, उसकी जिम्मेदारी भी परमेश्वर की है। अगर आप जॉन वेस्ली के स्थान पर होते मेरे प्रिय भाई और बहन, तो आपका जवाब क्या होता? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसी कौन सी बात है जो आपको परेशान करती है? एक कागज पर उसे लिख डालें। क्या वह आपके जीवन के बारे में है, या फिर बच्चों के बारे में, उनके भविष्य के बारे में, उनकी नौकरी के बारे में है,
याद रखना, आपकी चिंता करने से कुछ भी नहीं होगा। मत्ती 6:33 में हम पढ़ते हैं, इसलिए पहले तुम उनके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम इन दुनिया की बातों के पीछे मत भागना। लेकिन आज हम देखते क्या है, हर एक जन दुनिया की चीजों के लिए भागा जा रहा है। हर एक के जीवन में एक भूख और प्यास है, कैसे मैं पड़ोसी के समान धनी बन जाऊं, कैसे मैं अपने रिश्तेदार के समान और धनी बन जाऊं, कैसे मैं घर में और चीजें ले आऊं जो मेरे पास अभी नहीं है। प्रियो, आज मनुष्य इन्हीं चीजों के पीछे चला जा रहा है। मैं और आप जो विश्वासी भी हैं, हमारे जीवन में ये परीक्षा है कि हम भी संसार के समान बन जाएं। और वचन दिखाता है हमको कि हम संसार के सदृश, संसार के समान न बने। प्रभु का वचन हमको ये सिखाता है कि हम परमेश्वर के राज की खोज करें तो हमें सब बातें मिल जाएंगी। परमेश्वर के राज की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब है कि जो परमेश्वर की इच्छा है, जो परमेश्वर के हृदय का स्पंदन है, वो क्या है कि लोग उद्धार पाए, वो क्या है कि परमेश्वर की कलीसिया उन्नति प्राप्त कर सके। जी हाँ, जब मैं और आप अपना समय का योगदान, अपने धन का योगदान इस कार्य के लिए करते हैं तो हम परमेश्वर के राज की खोज कर रहे हैं, और तब हमारे लिए परमेश्वर की यह प्रतिज्ञा है कि वो सब वस्तुएं जो हमारी आवश्यकता की हैं हमारे जीवन में जोड़ते जाएंगे। कितनी अच्छी बात है ना। मुझे एक कहानी याद आ रही है, यह उस समय की घटना है जब हवाई जहाज निकला ही था, शुरुआत ही हुई थी। एक पायलट हवाई जहाज उड़ाने को तैयार हो गया। उसने हवाई जहाज कम से कम 2 घंटों तक उड़ाया। उसके बाद उसे इंजन से कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। जब उसने ध्यान से उस आवाज को सुना तब उसे समझ में आया कि इस हवाई जहाज में एक चूहा है। वो बैठा हुआ कुछ खास तारों को कुतर कुतर करके खा रहा है। ये जानते ही उस पायलट के पेट में आग लग गई, यानी कि वो घबरा गया। वो सोचने लगा, अरे ये क्या अशुभ हो गया, न तो अब वापस जा सकते हैं और न ही कुछ और किया जा सकता है, और अगर ये चूहा ऐसे ही तारों को कुतरता गया तो ये हवाई जहाज तो नष्ट हो जाएगा, अब क्या किया जाए। तभी उसे याद आई कि अगर हम और ऊंचाई पर चले जाते हैं तो वह चूहा हवा की कमी के कारण मर जाएगा। वह हवाई जहाज को और ऊंचाई पर ले गया, कोई 20,000-30,000 फीट ऊंचाई पर ले गया। उसके बाद वह आवाज एकदम से बंद हो गई। उसके बाद 2.5 घंटों की उड़ान के बाद हवाई जहाज नीचे उतरा, तब पाया क्या कि चूहा सचमुच में मर चुका था। प्रियो, इसी तरह बात होती है। प्रियो, जब हम चिंता करते हैं, निराशा करते हैं, तो हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब हम प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं और ऊंचाई पर उड़ते हैं तो हमारी निराशा और चिंता चूहे के समान मर जाती है, नष्ट हो जाती है। क्या आज आपकी स्थिति ऐसी है? क्या आपके जीवन में व्याकुलता है? यदि है तो परमेश्वर के सामने आइए, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, मेरे बेटो, मेरी बेटियों, मैं तुम्हारी फिक्र करता हूं। परमेश्वर ने आपको और मुझे इस दुनिया में अकेले नहीं छोड़ा है। क्या आपको याद नहीं जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं जाता हूं पिता के पास ताकि मैं पवित्र आत्मा को भेज सकूं। आज परमेश्वर ने मुझे और आपको पवित्र आत्मा दिया है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हमारे साथ है। क्यों? ताकि वो हमारे चुनौतियों के समय में, हमारी समस्याओं के समय में परमेश्वर के वचन को याद दिलाएं और हमारे मनोबल को बढ़ाएं, हमारे विश्वास को मजबूत रखें। जी हां, आज परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम अपने जीवन की इन चुनौतियों का सामना करें। प्रियो, इस संसार में ये समस्याएं या चिंताएं इसलिए आई क्योंकि मनुष्य ने पाप किया, परमेश्वर से दूर हट गया, और मनुष्य इस पाप के स्वभाव के साथ जीता है और उसने अपने जीवन को शैतान के हाथ दे दिया है। लेकिन जो लोग प्रभु यीशु मसीह को पा चुके हैं, जिनके जीवन में यह अनुभव हुआ है नए जन्म का, जिनको अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को निमंत्रण करने का मौका मिला है, वे नई सृष्टि हैं, वे नए लोग हैं। इसलिए आज आप मजबूत हो जाइए, हिम्मत रखिए। जी हां, कभी व्याकुल मत होइए।
क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। क्या आपको नहीं मालूम कि हमारी रक्षा करने के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूत रखे हैं? जी हां, वे हमको चारों तरफ से घेरे रहते हैं। क्या आपको नहीं मालूम कि परमेश्वर हमारी आवश्यकता के अनुसार कुछ भी कर सकते हैं? जी हां, वे स्वर्गदूतों को भेजकर हमारी सहायता कर सकते हैं। वे मनुष्यों को हमारे लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हां, वह हमारे भविष्य को जानते हैं, हमारे वर्तमान को जानते हैं, और इसलिए हमको कुछ भी परवाह नहीं। क्या आपको नहीं मालूम परमेश्वर के वचन में लिखा है कि चाहे तूफान आ जाए, चाहे समुन्दर में पहाड़ जाके गिर जाए, लेकिन फिर भी हम स्थिर रहेंगे। हम यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे। यहोवा परमेश्वर आपकी और मेरी चट्टान है। वो एक मजबूत किले के समान है और इसलिए हम उन पर पूरी रीति से भरोसा रख सकते हैं। आज मेरे सामने, आपके सामने एक फैसला है, एक चुनाव है अपने जीवन में। प्रभु यीशु मसीह के सामने आप आकर के इस बात का अंगीकार कीजिए, यहोवा मेरे चरवाहा है, मुझे कुछ कमी ना होगी, मैं ना डरूंगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर मेरे साथ है। क्या आपको नहीं मालूम क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? कहा, देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, इसलिए डरिए नहीं, चिंतित मत होइए, प्रभु हमारे साथ है।